हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सब लोगों को। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम और मेरे बड़े भैया अनुज भैया हम लोग जा रहे हैं भोला मूवी हाँ देखने। भैया, और ये अभी बाइक सॉरी स्कूटी निकाल रहे हैं। और हम लोगों की जो टाइमिंग है मूवी की वो है 11 बजे से। लेट नाइट मूवी का शो है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और अभी तो आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं क्राउन सिनेमा हॉल में, जो कि बीबीडी लखनऊ में सिचुएटेड है। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ेंगी उसका भी व्यू दिखाएंगे और भोला मूवी कैसी है इसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। हैं आप लोग, अभी हम लोग स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। और रात के सन्नाटे में सब कोई सोया हुआ है, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए थिएटर में। चलिए थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, मूवी दिखाते हैं आप लोग। फाइनली हमारा आईनॉक्स क्राउन मॉल आ गया है। इसी के अंदर हम लोगों को जाना है, इसी के अंदर हम लोगों को जाना है मूवी देखने के लिए। सबसे पहले करेंगे गाड़ी को पार्क, आफ्टर देन वी विल इंटर इन द सिनेमा हॉल। अपन सबकी गाड़ी इधर पार्क होनी है इस छोटे से एरिया में। कितना चार्ज है पार्किंग का? 20 रुपये। तो मित्रों, अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं ना गाड़ी पार्किंग के लिए। बारकोड दिखाइए अपना, इनका छोटा सा बारकोड ये आप देख सकते हैं, इस पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए बिंदास होकर के। और ये छोटा सा कमरा दिख रहा है आपको, कमरा नहीं गेट है ये, इसमें हम लोग को गाड़ी पार्क करना है अंदर जा करके। चलिए कहीं भी खड़ी कर दो भैया गाड़ी, तो एकदम गाड़ियाँ ही नहीं है, खड़ी कर दीजिए कहीं पे। तो फाइनली अनिश भैया गाड़ी पार्क कर चुके हैं और अब पार्किंग के बाद हम लोग निकल रहे हैं अब सिनेमा हॉल की तरफ। और थोड़ा सा मॉल का व्यू भी दिखाएंगे, उसके बाद सीधा एंटर करेंगे आईनॉक्स में, क्योंकि हम लोगों की टाइमिंग हो गई है ना। तो ये देखिए सिनेमा हॉल का कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे। वाह, बालों को भी सवार दो यहाँ पे। और अभी तो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि तो हम लोग रात में आए हैं और अभी 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे यहाँ पे सिनेमा हॉल में, सॉरी सिनेमा हॉल में नहीं, इस मॉल में कौन ही घूमने आएगा। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट। लिफ्ट ओपन हो गई है, एंटर करते हैं लिफ्ट में, चलते हैं उस फ्लोर पे जहाँ पे सिनेमा हॉल है हम लोग का। हाय हाय, लिफ्ट का बटन दबा दिया लेकिन इनको यही नहीं पता कि सिनेमा हॉल किस फ्लोर पे है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ भैया? उस फ्लोर पे आ गए हैं जिस फ्लोर पे सिनेमा हॉल है, आईनॉक्स। वाह, क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई, देख सकते हैं आप सिनेमा हॉल का। तो सीधा मिलते हैं अंदर आपको सिनेमा हॉल के। सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। तो चार फिल्में और लगी हुई हैं भोला के अलावा, तू झूठी मैं मक्कार और भोला। तो हम लोग देखने जा रहे हैं भोला मूवी को। थिएटर खोजना पड़ रहा है, कई थिएटर है क्या इसमें? हाँ, इतने ही जगह में कई थिएटर। वाह, और पॉपकॉर्न, गोला, नाचोस, कॉफ़ी, पिज्जा, सेक, इंटरवल में आप यहाँ पे आइए, कुछ भी पीजिए, मजे लीजिए। छे ये है, इस वाले में जाना हम लोगों को। चलो, 3D आई वियर मिल गया हम लोगों को और इसे पहनना है, उसके बाद हम लोगों को मूवी देखना है। तो इसकी फीलिंग कुछ अलग ही होने वाली है। और ऑलमोस्ट मूवी चालू होने में 5 मिनट बाकी हैं और भैया आप देख लो पूरी सिनेमा हॉल खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी हम लोगों ने चूज़ करी है। यही टाइमिंग अगर 6 बजे वाली होती, 9 बजे वाली होती तो सिनेमा हॉल शायद भरी रही होती, लेकिन अभी हम लोगों की टाइमिंग 11 बजे की है, तो सो दैट्स वाई ये सिनेमा हॉल खाली है। लोगों को इस सीट पर बैठना है, ये वाली सीटिंग हम लोगों की है। चलो भैया बैठिए, सबसे ऊपर वाली सीट पे हम लोग आए हैं बैठने के लिए और इन्जॉय करेंगे अब भोला मूवी का। यहाँ पे जो ये सीट है ना, उसमें एक कंट्रोलिंग पैनल भी दिया गया है, इसे आप सीट के एडजस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। भैया कंट्रोल करिएगा, तो ये देखिए कंट्रोल करिए, ये देखिए आप बटन ऑन ऑफ करके, बटन दबा करके सीट को कंट्रोल कर सकते हैं और सीट को पूरा बेड बना सकते हैं। चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए, 3D आई वी एल लगा रहे हैं, दिखाते हैं आपको हम 3D आई वी एल। कैसा लग रहा है? तो फाइनली 3D आई वी एल हमने भी पहन लिया है और अब मूवी शुरू होने जा रही है। तो बिना विलंब किए मूवी दिखाते हैं आप लोगों को सीधा। जिसको पता था वो पता नहीं।
तो दोस्तों अभी इंटरवल हो गया है, आधा हाफ मूवी का ख़त्म हो चुका है। अच्छी लग रही है, और मतलब मूवी ऐसी है ना कि ये बांध के रख रही है, आप अपनी सीट से हिलेंगे नहीं, बोरी नहीं लगा रहा है, मतलब बोरी नहीं लग रहा है मूवी, एकदम धांसू। एक्शन वगैरह बहुत धांसू है, इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और इसमें की इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें एक आइटम सॉन्ग है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देवगन और कमाल की एक्टिंग की है अजय देव और कमाल की एक्टिंग की है अजय देवगन ने, और बाकी सारे जो कलाकार उसमें हैं क्या गजब की फाड़ू एक्टिंग कर रहे हैं। और हम लोग 3D में देख रहे हैं, चश्मा हम लोगों को मिला है 3D में देखने के लिए, तो इसमें देखने में और मज़ा आ रहा है। लग रहा है कि चश्मा पहनने के बाद जब हम लोग मूवी को देख रहे हैं तो लग रहा है कि मूवी एकदम पास में आंखों के सामने ही चल रही है। विदाउट चश्मा अगर हम देख रहे हैं तो फिर वो फील नहीं दे पा रहा है। विदाउट चश्मा देखने पे मूवी का स्क्रीनिंग जो है ना धुंधला आ रहा है, चश्मा लगाते ही सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो बाकी मिलते हैं सेकेंड हाफ देखने के बाद भी, और बताते हैं कि मूवी ओवरऑल कैसी है, आपको आना चाहिए थिएटर में देखने के लिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों मूवी ख़त्म हो गई, जो लोग थिएटर में थे, बहुत कम लोग थिएटर में थे वैसे, जो लोग थे जिन लोगों ने मूवी देखी उसमें से कुछ लोगों ने कहा अच्छी है, कुछ लोगों ने कहा बोरिंग है, लेकिन हाल फिलहाल मुझे अच्छी लगी। इसमें एक्शन बहुत अच्छा था, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, बाकी स्टोरी भी ठीक ठाक है। और दूसरी बात ये है कि भोला मूवी जो है दो पार्ट में आएगी, ये पार्ट फर्स्ट था, अब इसकी पूरी स्टोरी को क्लियर करने के लिए पार्ट सेकंड भी आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये रही कि लास्ट वाले सीन में अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई है। अब अभिषेक बच्चन की एंट्री जब हुई है ना तो मतलब पब्लिक एकदम झूम उठी है। तो गाइस पूरी स्टोरी क्लियर नहीं हो पाई है, पार्ट टू भी आएगा लाइक KGF और बाहुबली की तरह, देखते हैं पार्ट टू में क्या होता है। स्टोरी बड़ी नॉर्मल सी थी कि वो अजय देवगन जो है जेल से छूटा हुआ है, कई सालों के बाद अपनी बेटी से मिलने जाता है, रास्ते में उसे पुलिस रोकती है, ट्रक चलाने को बोलती है, वो ट्रक लेके जाता है, और रास्ते में तमाम अड़चनें आती हैं, तमाम बाधाएं आती हैं, उनको पार करते हुए लास्ट का जो इस पार्ट का कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद स्टोरी में लिखता है, उसके बाद जब मूवी का लास्ट सीन आता है ना, बिना स्टोरी क्लियर किए लिखता है टू बी कंटिन्यू। मतलब अगर स्टोरी को पूरा जानना है, पूरा देखना है, मूवी के बारे में पूरा समझना है, तो आपको सेकेंड पार्ट भी देखना होगा। सस्पेंस इन्होंने क्रिएट कर रखा है, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। अब अगले पार्ट का इंतजार है कि आखिर भोला जो अजय देवगन का कैरेक्टर है वो था कौन, उसको इतने साल जेल में क्यों रखा गया, उसकी पत्नी को क्यों मारा गया, और जो जिन्होंने उनके जिसने उनकी पत्नी को मारा वो कौन था, सारी चीज़ जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।